हेलो प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को सी लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एरे ऑफ पॉइंटर इज एन एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स। एरे ऑफ पॉइंटर क्या होता है? कई सारे पॉइंटर वेरिएबल्स का एक एरे होता है। वी कैन स्टोर एन एड्रेस इन एन एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स का प्रत्येक जो एलिमेंट है वो खुद एक पॉइंटर है, यानी प्रत्येक एलिमेंट में हम किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं। टू क्रिएट एन एरे ऑफ पॉइंटर्स वी यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। पॉइंटर्स का एरे बनाने के लिए जो सिंटेक्स है हमारे पास वो है डेटा टाइप, देन स्टार का सिंबल, फिर उसके बाद में एरे ऑफ पॉइंटर का नेम, एंड ब्रैकेट में हम पास करेंगे साइज। बड़े वाले ब्रैकेट्स में साइज डिनोट करता है कि कितने एड्रेसेस हम इस एरे ऑफ पॉइंटर में स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बनाया इंट स्टार पी, बड़े वाले ब्रैकेट में हमने लिखा है 5। तो यहां पे इन द अबव एग्जांपल पी इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स इन विच ईच पॉइंटर कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंट वेरिएबल। सो ऊपर ये जो हमने int star 5 डिक्लेयर किया है इसमें p एक एरे है पॉइंटर्स का, जिसमें से प्रत्येक पॉइंटर जो है वो एक int वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, int वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। सो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एरे ऑफ पॉइंटर के यूजेस को डेमोन्स्ट्रेट करें कि किस तरह से हम एरे ऑफ पॉइंटर बना सकते हैं, किस तरह से उसमें एड्रेसेस स्टोर होंगे और किस तरीके से हम एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू वापस से वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। सो आइए कोड करते हैं हम। कंट्रोल एन से हमने एक न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न 0। नाउ यहां हमने तीन वेरिएबल बनाए, a बराबर 10, b बराबर 20 एंड c बराबर 30। ये तीन अलग अलग वेरिएबल है मेरे पास। नाउ मैं चाहता हूं मैं एक एरे बनाऊं जिसमें इन तीनों वेरिएबल्स का एड्रेस रखूं। तो मैंने डिक्लेयर किया int star p3, दैट मीन्स p जो है ये एरे ऑफ पॉइंटर्स हो गया है, ठीक है। p0 जो होगा इसमें वो एक एड्रेस को होल्ड करेगा, इंट वेरिएबल के। इसी तरीके से p1 भी होल्ड करेगा, p2 भी होल्ड करेगा और p3 भी होल्ड करेगा। तो हमने यहां पे क्या करा, p0 बराबर एड्रेस ऑफ a। सिमिलरली इस लाइन को हमने कॉपी पेस्ट करा, p1 बराबर एंड p2 बराबर, p1 बराबर एड्रेस ऑफ b डाल दिया हमने एंड p2 बराबर एड्रेस ऑफ c डाल दिया। हम चाहें तो यहां पे लूप चला सकते हैं, एक जैसे हमने यहां पे लूप चला दिया 4i=0 से i<3i++ एंड प्रिंट एफ में हमने लिखा %d, स्पेस लगा दिया है मैंने, एंड अगर मैं सिर्फ pi लिखता हूं तो ये एड्रेस को डिनोट करेगा, एंड मैंने यहां लगाया स्टार एंड pi को मैंने ब्रैकेट में डाला। अब हम इसे सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो इसको मैंने सेव कर दिया पॉइंटर टू, सॉरी एरे ऑफ पॉइंटर्स नाम से, और नीचे सेव एज टाइप जो है वो मैंने सी सोर्स फाइल कर दिया है ताकि सी लैंग्वेज के रूल्स अप्लाइड हो। नाउ हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइन गाइस, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक एरे बनाया पॉइंटर्स का जिसमें हर एक इंडेक्स पे हमने एक एड्रेस स्टोर कर दिया, देन लूप चला करके उन सारी वैल्यूज को 1 by 1 प्रिंट करवाया है। सो गाइज होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको एरे ऑफ पॉइंटर बनाया, उसमें एड्रेसेस स्टोर किए हैं, देन एक एक करके हमने उसमें जो एड्रेस स्टोर हुए हैं पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर में उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाया है।
हम चाहते तो हम इनपुट भी ले सकते हैं इस एरे ऑफ पॉइंटर का यूज़ करके, कैलकुलेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, इस पर कमेंट करके भी आप डाउट जो है वो अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकें कीजिए, ताकि वो लोग भी सी लैंग्वेज को सीख सकें। थैंक यू वंस अगेन गाइस, थैंक्स अ लॉट।